हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडी जीरो बैलेंस अकाउंट के फिजिकल डेबिट कार्ड को किस प्रकार से ऑर्डर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अकाउंट तो ओपन कर लिया है इंडी जीरो बैलेंस, लेकिन अब उन्हें फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का प्रॉब्लम हो रहा है और इस अकाउंट पर जो डेबिट कार्ड के चार्ज लिए जा रहे हैं वो 499 प्लस जीएसटी के चार्ज लिए जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे किस प्रकार से आप अपने डेबिट कार्ड को फ्री में भी ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। गाइस, डेबिट कार्ड ऑर्डर करके तो हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि इसका जो डेबिट कार्ड है वो आपका अलग अलग वेरियंट के हिसाब से मिलता है। आपने जो अकाउंट ओपन किया है इंडी, ये अकाउंट एक इंडी नाम से है, लेकिन इसके अंदर भी तीन वेरिएंट आते हैं, जैसे कि स्टार, सुपर स्टार, मेगा स्टार। और जो आपका डेबिट कार्ड का चार्ज आपको देना होगा और आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा ये भी आपके वेरिएंट के हिसाब से ही मिलेगा। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि किस वेरिएंट पर आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा डेबिट कार्ड का। सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो अकाउंट होता है वो स्टार वाले वेरिएंट में हो जाता है। इस पर आप लोगों को 499 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा अगर आप डेबिट कार्ड को लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में 25,000 रुपए को डाल देते हैं और 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो आपका जो अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली सुपर स्टार में अपग्रेड हो जाएगा। और सुपर स्टार में जो आपको चार्ज देना पड़ेगा डेबिट कार्ड का वो 249 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। और वहीं अगर आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपए को डाल देते हैं और उसको 7 दिन के लिए छोड़ देते हैं तो जो आपका अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली मेगा स्टार में अपग्रेड हो जाएगा। और मेगा स्टार के वेरिएंट वाले अकाउंट में किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है। आपको जो डेबिट कार्ड यहां पर मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा, आप बिल्कुल फ्री में डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि यहां पर डेबिट कार्ड का चार्ज आपको किस प्रकार से देना है। चलिए अब हम डेबिट कार्ड को ऑर्डर करने का लाइव प्रोसेस समझते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, किस प्रकार से हमें अपना डेबिट कार्ड इंडी ऐप से ऑर्डर करना है। गाइस, डेबिट कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको अपना इंडी एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है अभी तक इसका तो पूरी तरीके से जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आपको 3% तक का कैशबैक देखने को मिल जाता है। आज ही अकाउंट को ओपन करिएगा। अकाउंट ओपन करने का लिंक और इसका रेफर कोड वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज ही अपना अकाउंट ओपन करिए घर बैठे बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से। चलिए अब बात करते हैं इसके डेबिट कार्ड को किस प्रकार से ऑर्डर करना है। इसके लिए देखिए, इस प्रकार से आपको होम पेज पर आ जाना है। इंडी एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इंडी प्रोडक्ट के नीचे आपको एक लाइन मिलेगी यहाँ पर सर्विस की, इसमें आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन ढूंढ लेना है और डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड आपका दिखाई देगा। अगर अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्वीप टू बैक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके आप अपना सीवीवी नंबर वगैरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर देखिए कार्ड परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को एक सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा बगल साइड में, इस पर आप क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर ए फिजिकल कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद इस प्रकार से आपको दिखाएगा, आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिएगा आपको दिखा देगा चार्ज। अब ये आपका जो अकाउंट है ये किस वेरिएंट का है, किस में अपग्रेड हुआ है, स्टार में, सुपर स्टार में या फिर मेगा स्टार में, यहाँ पर उसके हिसाब से चार्ज आपको दिखाई देंगे। हमारा जो अकाउंट है ये अभी हमने ओपन किया है तो ये स्टार में हुआ है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर 499 इसका जो कार्ड का इशू फीस हो रहा है और इस पर कुछ जीएसटी का चार्ज लिया जा रहा है, तो 588 रुपये का टोटल चार्ज आपको देना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट स्टार वाले वेरिएंट में होगा तो। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेंगे तो इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये चार्ज कहां से कटेगा, तो इसके लिए आपको जितना भी चार्ज देना है डेबिट कार्ड का अपना वेरिएंट के हिसाब से उतना पैसा आपको इंडी अकाउंट में डाल लेना है, पहले ऐड कर लेना। अब आप सिंपल सा यहां पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से जो आपका कार्ड है ये ऑर्डर हो जाएगा। हम इसका फिजिकल कार्ड नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफी सारे फिजिकल कार्ड हैं, मुझे नीड नहीं है इसकी। आप लोगों के लिए अगर फिजिकल कार्ड लेना है इसका तो आप ले सकते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है मेगा स्टार में अपग्रेड कर लेंगे आप 50,000 रुपए डाल करके 7 दिन के लिए छोड़ देंगे तो आपका अकाउंट मेगा स्टार में अपग्रेड हो जाएगा और इसके बाद आप ऑर्डर करने के लिए आएंगे तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, 0 रुपए में आपका डेबिट कार्ड है ये ऑर्डर हो जाएगा। और फिर आप चाहें तो अपने 50,000 रुपए को 7 दिन बाद निकाल भी सकते हैं। आपका जो अकाउंट है लाइफ टाइम के लिए मेगा स्टार में ही अपग्रेड रहेगा। डेबिट कार्ड के लिए आपको इसमें फंडिंग करनी पड़ेगी, जितना डेबिट कार्ड का आपको चार्ज लग रहा है उतने की। इसके लिए यहाँ पर देखिए फंड योर अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आप अपने डेबिट कार्ड में यहाँ से UPI से या फिर अपने डायरेक्ट इस अकाउंट पे पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं तो आपका जो पैसा है ये इंडी वाले अकाउंट में आ जाएगा। और ये डेबिट कार्ड जो आप ऑर्डर करोगे ये 7 दिन के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर आपको मिल जाएगा।
तो इस प्रकार से आप अपने इंडी डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने का लिंक और रेफर कोड डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर अकाउंट नहीं तो ओपन करिएगा, वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चलाइएगा, मेरा मानना यही है, क्योंकि इसमें आपको फोपट का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपको नीड है तो ही आप इसका डेबिट कार्ड ऑर्डर करिएगा, वरना वर्चुअल डेबिट कार्ड से सारा काम आपका हो जाएगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह के लिए भी आप इस डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।